नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बेज का 16वां दिन है और 16 दिन में हम किस प्रकार से फीड का, पानी का और कौन से हम मेडिसिन का यूज़ करेंगे ताकि बर्ड को जो है आसानी से उनकी पाचन क्रिया और बर्ड पूरी तरीके से स्वस्थ रहें और अच्छी ग्रोथ करें, कम से कम दाना खाकर और मोर्टलिटी कम से कम हो, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम जो है बातचीत करते हैं। और इन्हीं चीज़ों के लिए जो है कि कम से कम दाना खाए, ज़्यादा से ज़्यादा वजन ले, इसी के ऊपर हम जो है काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने इतना बड़ा सेटअप किया है, इसी पोल्ट्री फार्मिंग किया है। और या फिर जिन फार्मर भाई का प्राइवेट अगर ओपन फार्म है तो वो ओपन फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ों के लिए किसी बर्ड जो है आसानी से रहे, वो आरामदायक तरीके से रहे, बस इसी के ऊपर हम जो है सब चीज़ें करते हैं, चाहे लीटर रैकिंग हुआ, चाहे मेडिसिन हुआ, चाहे वैक्सीन हुआ, चाहे दाने का हुआ। तो दोस्तों, हम आज के दिन में जो विशेष करने जा रहे हैं, पहले तो आप जो देख सकते हैं बर्ड की जो एक्टिविटी, इसका मतलब ये हुआ, ये बर्ड जो है ये देखिए, ये पूरे फार्म में घूम रहे हैं क्योंकि इनको दाना नहीं है, इनके पास में अभी दिखाने के लिए दाना नहीं है, इसलिए जो है पूरे फार्म में घूम रहे हैं। हमने जो पार्टीशन थोड़ा सा कल के दिन खोल दिया था, एक्चुअली हुआ क्या था कि इसमें जो हमने बैरिकेड जो बना रखे हैं उनमें जो छोटे छोटे जो गैप थे उनमें से जो बर्ड जो है, अब चूँकि सामने से ठंडी हवा आती है तो वो सामने जो पहला वाला जो पार्टीशन है वहाँ पे उसमें ज़्यादा हो गए थे, उसके कारण जो है हमने सबको बराबर करने के लिए, और हो क्या रहा था कि पहले जिस पार्टीशन में ज़्यादा बच्चे होंगे सुबह इसी बात है वहाँ पे ज़्यादा दाना खाएंगे, अब जिसमें कम बच्चे हैं लास्ट वाले पार्टीशन में कम बच्चे थे तो वहाँ पे दाना बच रहा था, और आगे वाले पार्टीशन में ज़्यादा बच्चे थे तो उसमें दाना खत्म हो रहा था। अब देखिए इधर वाले पार्टीशन में देखिए सब बर्तन हिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दाना खत्म हो गया, किंतु लास्ट वाले पार्टीशन में देखेंगे अभी भी दाना बचा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले तो पूरा दाना खत्म कर लिया जाए, तो हमने बैरिकेड खोल दिया, तो जितने भी जिस भी बर्तन में दाने होंगे वो पूरा जो है खा लेंगे, उसके बाद में पूरे फार्म में बच्चे पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, उसके बाद में हम पार्टीशन लगा देंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा, ये मतलब पार्टीशन खोलने का कारण, और हम कब लगाएंगे ये भी, हम कब पार्टीशन कंप्लीट कर देंगे ये, इसका भी कारण मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों, हम 16वें दिन जो है जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हमारा लीटर रैकिंग चल रहा है, हमारा वाटर सैनिटाइजेशन चल रहा है, और अब हम जो है इनमें थोड़ा थोड़ा फीड जो है, कभी भी फीड उतना नहीं डालें कि 3 से 4 दिन तक उसमें फीड बचा रहे। दोस्तों, फीड हमेशा इतना ही डालें कि फीड जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए 24 घंटे के अंदर, और फीड ख़त्म अगर हो रहा है तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारे बर्ड को फीड लग रहा है या नहीं। अब देखिए, अगर मान लो बर्तन में अगर हम पूरा फुल भर देते, मतलब विदाउट स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर जैसे कि कल का हमारा स्टैंडर्ड था 65 ग्राम, अगर हम 65 ग्राम से दाने की बजाय अगर हम 100 ग्राम दाना डाल देते तो स्वाभाविक सी बात है फीडर में दाना बचता। अब दाना बचता, हमें ये नहीं पता चलता कि बर्ड को भूख लग रही है या नहीं, मतलब भूख से ये संबंधित ये है कि अब हम क्या सोचते हैं कि यार बर्ड को भूख नहीं लग रही, मतलब हमें कोई सी भूख की वाली दवाई देना है कि ताकि बर्ड जो है उनको भूख लगे। अब हमें जब पता चल ही रहा है कि बर्ड जो है इधर उधर घूम रहे हैं, दाना नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बर्ड स्वस्थ है, बस उनको दाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कभी भी दाना आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से ही लगाना चाहिए। तो हमने जो दाना जो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही लगाया है, और कंपनियां जब भी अगर स्टैंडर्ड आपको देती है कि डेली जो है आपको कितने ग्राम दाना डालना है, तो दोस्तों वो पहले एक्सपेरिमेंट करती है कि किस बर्ड के ऊपर हमें किस सीजन में कितना दाना देंगे तो बर्ड को 24 घंटे सर्विस दे जाएगा और वजन लेने के लिए पर्याप्त रहेगा। एक लिमिट से ऊपर अगर आप दाना देंगे, मान लीजिए आप कल हमें 65 ग्राम दाना डालना था, मतलब आज हमें करीब 70 ग्राम के आसपास दाना डालना है, किंतु अगर हम इसको 100 ग्राम अगर दाना देंगे तो 70 ग्राम में जो वजन लेना है वो ले लेंगे, किंतु जो बचेगा जो 30 ग्राम जो दाना है वो अगर वो बचेगा तो वो जो है उसमें वो पूरे वजन नहीं लेंगे। हो सकता है 70 ग्राम में वजन जो है मुर्गियाँ 35 ग्राम वजन ले रही है, 40 ग्राम वजन ले रही है, या फिर 60 ग्राम वजन ले रही है, किंतु दोस्तों जो बचा हुआ जो 30 ग्राम रहेगा उसमें 1 या 2 या फिर 5 ही ग्राम वजन लेगी, तो वहाँ पे जो है हमारा FCR बिगड़ता है और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है। तो दोस्तों, बस हमें जो है दाना स्टैंडर्ड के हिसाब से लगाना है, और इसी के साथ में ये सुगना कंपनी की जो दवाई है, ये है सुगविट AC, यह जो है विटामिन ई और सेलेनियम का घोल है, और यह बहुत ही बढ़िया दवाई है, और इसका जो हम बेनिफिट है, यह मेडिसिन जो है मोर्टलिटी को कम करती है, और अगर जो लेयर फार्म है लेयर फार्म में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, और यह वीकनेस और जो क्रेजी जो चिक्स आते हैं जो एक दूसरे को, मतलब वो दाना वगैरह कुछ नहीं खाते और जो फार्म के अंदर जो है इधर उधर घूमते फिरते हैं, इन चिक्स को जो है कंट्रोल करने में, ये जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने में जो है ये दवाई यूज़ की जाती है, बहुत बढ़िया। और एसआईटीज़ में स्पेशली जो है इस
काम यूज़ करते हैं। ये जो ठंड के समय में जनरली जो आती है 20 से 22 दिन में आती है एसाइटिस, इसको दूर करने के लिए बहुत शानदार दवाई है। और इसका जो डोज़ है ये हम ब्रॉयलर में देखें तो 10 ml है 400 बर्ड पे, मतलब कि हमारे पास में करीब 110 ml लगेगा 4300 बर्ड के ऊपर। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो है हम दिन के समय में 2 घंटे के पानी में देंगे, हम 200 लीटर में डाल देंगे, दो से ढाई घंटे में पानी पूरा पी जाएंगे बर्ड, और उसके बाद में जो हम वही से जो हमारा सिंपल जो पानी है उसको हम चले देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद।